आज हम थर्ड चैप्टर फिजिक्स मैट्रिक क्लास में अगर हम पंजाब बोर्ड की तरफ निकल जाएं तो ये डायनेमिक्स के नाम से है, आगा खान बोर्ड में भी, और अगर सिंध बोर्ड की बुक्स की स्टडी करें तो वहाँ पर जो है वो फोर्स एंड मोशन के नाम से जो है वो ये चैप्टर है। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि डायनेमिक्स क्या है। डायनेमिक्स वो ब्रांच है मैकेनिक्स की जो मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट के कोई भी पर बात करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो मूव कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, उसके रीजंस को पढ़ना जो है वो डायनेमिक्स कहलाता है। डायनेमिक्स की एग्जांपल है किस तरह मून जो है वो अफेक्ट करता है ओशन वेव्स में, और किस तरह जो है वो मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट फिजिकल फैक्टर की वजह से किस तरह अफेक्ट करता है और वो मूव करती हैं, ये डायनेमिक्स की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल है। अब फोर्स क्या है? फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो किसी भी चीज को मूव करने या रोकने के काम आता है मोशन से, और फोर्स जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी जो है वो चेंज करता है। जैसे कि फोर्स ऑफ बैट ऑन द बॉल, ये देखें, और फोर्स ऑफ हेयर ब्रश ऑन हेयर व्हेन इट इज बीइंग ब्रश्ड, या फिर एक और एग्जांपल है आपके पास कि किस तरह जो है वो अगर कोई साइकिल चला रहा है कोई लड़का और वो पुश कर रहा है पैडल से, तो वो जो है वो जो अप्लाई कर रहा है और जिसकी वजह से वो मूव कर रही है साइकिल, उसे कहते हैं फोर्स। एनर्शिया, एनर्शिया वो प्रॉपर्टी है बॉडी की जो कि कोई किसी भी चेंज को रिजिस्ट करने में, चाहे वो स्टेट ऑफ मोशन हो या रेस्ट हो, उसमें काम आती है। यानी हम इसको आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीजें जो लॉस है वो कौन से लॉस को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। एग्जांपल है कि कहते हैं कि अगर कोई साइकिल पे पैडलिंग कर रहा है और अचानक से वो ब्रेक लगाता है और कंटिन्यू मूविंग बॉडी में अगर अचानक से ब्रेक लगाई जाती है तो साइकिल वहीं पे खड़ी हो जाती है और वो शख्स आगे की तरफ गिर जाता है, तो ये जो है ये आपका एक तरह के इनर्शिया कहलाता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई चीज मूव कर रही है तो मूव करने के दरमियान जो है वो हम इसकी एग्जांपल ये भी दे सकते हैं कि हम बस में अगर सफर कर रहे हैं तो बस में सफर करने के दरमियान जो है वो अचानक ड्राइवर ब्रेक लगा देता है और उसके अचानक ब्रेक लगाने की वजह से हम बैलेंस करते हैं, हमारा लोअर पोर्शन जो है वो इस तरह एडजस्ट कर देता है कि लोअर पोर्शन एक जगह पे फिक्स हो जाता है और अपर पोर्शन जो है उसको यूं बैलेंस करता है ताकि हम गिरे नहीं। तो ये एक इनर्शिया की एक बेस्ट एग्जांपल है। इसके अलावा यहाँ पर देखें ये कार्ड, यहाँ पर देखें ये किस तरह किस जबरदस्त तरीके से वो हिट करता है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स लॉ ऑफ इनर्शिया, कि वो जो ये कॉइन है वो सीधा किसी प्याली में गिरता है और कार्ड उसी स्पीड से हट जाता है। अब हम बात करते हैं मोमेंटम की। मोमेंटम हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो जाहिर सी बात है उसमें मास भी है और वेलोसिटी भी। हम वो जिस मास और वेलोसिटी से मूव कर रही है उसे हम कहते हैं मोमेंटम। हम ये भी कह सकते हैं फॉर्मूला मोमेंटम का कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। अगर हम ऐसा यूनिट देखें मोमेंटम का तो वो है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब इसकी एग्जाम्पल है कि अगर बॉलिंग हम लार्ज मास है मूव स्लोली, अगर आहिस्ता से वेलोसिटी से घुमाते हैं और वो हिट करता है बॉल से
तो अगर हम इस तरह भी हिलाते हैं, मूव करते हैं उस ऑब्जेक्ट को, तो इसका मतलब है कि वो स्लो वेलोसिटी से मूव करेगा, लार्ज ऑब्जेक्ट है उसका, तो उसमें भी मोमेंटम है। तो बिल्कुल इसी तरह ही अगर यहाँ पर जो एग्जांपल दी हुई है बॉल की, उसको भी देखें तो वो हिच कर रहा है और ये भी एक तरह का मास रख रहा है और एक सर्टेन वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो बास्केटबॉल जो है वो स्मॉल मास होता है उसका, और वो फास्ट मूव करेगी हाई वेलोसिटी से। ये इसके नीचे दोनों एग्जांपल्स दी हुई हैं मोमेंटम की। अब हम मोमेंटम को आगे बहुत डिटेल से भी पढ़ने वाले हैं। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है, एक्चुअली न्यूटन वो शख्स है जिसने फिजिक्स पे इंतहाई ज्यादा काम किया है, और इसने जो है वो बहुत से लॉस पेश किए हैं। अगर उनकी लॉस को स्टडी किया जाए तो उसने मेन फोर्स पे और उस पे तीन लॉस उसके बहुत फेमस हैं, जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के नाम से इंतहाई मशहूर हैं। और एक बात गौर करने की है कि अगर हम थोड़ा सा ये देखें कि ये उस वक्त उसने लॉस को पेश किया जब कोई साइंटिफिक तरक्की नहीं थी, हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं थी कि हम सर्च आउट करते हैं, जैसे कि आजकल हम जरा सी जरूरत पड़ती है तो हम गूगल सर्च करके देख लेते हैं। तो कम्प्लीटली ये लॉज उसने अपने ऐसे माइंड से बनाए थे कि आज तक जो है वो लॉ वेरी वेल वेरीफाइड हैं और माने जाते हैं। तो इसका मतलब है उसने उस अक्लो शऊर से काम लिया जो कि हमें इंसानों को अता की गई है। अगर हम इन चीजों को देखें तो मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि न्यूटन्स जिसके बारे में एक फेमस भी है कि वो बैठा होता है, उसके सर पे एप्पल आके लगता है तो वो कहता है वही एप्पल नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। तो ये स्टोरी भी थोड़ी सी न्यूटन के लिए मशहूर है, लेकिन जो फिजिक्स की बुनियाद बनाने के लिए जो न्यूटन ने काम किया है वो वाकई एप्रिशिएटेबल है। अब यहां पर बात आ गई न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। वो कहता है इफ ए बॉडी कंटिन्यूस इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन तो वो मूव ही करती रहेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इन ए मोशन में तो वो मूव ही करता रहेगा, और अगर कोई चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। कब तक? जब तक सम अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स उस पे अप्लाई नहीं होगी। ये लॉ पेश किया गया है। ये लॉ असल में देखा जाए तो दो पार्ट पे है कि अगर कोई चीज इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट होगी तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और दूसरा पार्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी जब तक के कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं हो। अब मैं पढ़ाते हुए अपने स्टूडेंट से अक्सर पूछता हूँ कि ये बताएं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने पूरा दुनिया को एक रास्ता एक बना दिया, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वो वहां से पूरी राउंड करके मैं एक बॉल फेंकता हूँ, तो क्या मैं जोर से फोर्स लगाऊं और वो बॉल वापस आए? क्या ऐसा मुमकिन है कि वो बॉल वापस आए? या ऐसा मुमकिन नहीं है। तो आप में से जिसको भी जो भी बात समझ में आए वो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि क्या रीजन है। वैसे मैं आपको ये बता सकता हूं कि वो बॉल, क्योंकि अगर न्यूटन कहता है कि अगर कोई कंटिन्यू मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, भाई अगर मैं इस तो अगर इस लॉ को अगर सही मान लूं तो वो बॉल तो मुझे मेरे पास वापस आनी चाहिए। तो अगर वो बॉल वापस नहीं आ रही तो इसका मतलब ये है कि ये लॉ गलत है। नहीं, ये मत सोचिएगा, ये लॉ बिल्कुल सही है, क्योंकि उसके तीसरे पार्ट में जो कहता है कि सम अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं हो तब तक कोई भी चीज रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में नहीं आ सकती। अगर इस चीज को सामने देखा जाए तो इसका मतलब है कि वहां सम अनबैलेंस फोर्स लग रही होती है। फिर वो कौन सी अनबैलेंस फोर्स है? पहली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और दूसरी एयर रेजिस्टेंस। अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे इस चीज को पढ़ते हैं कि
स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव पे ही रहता है, और कोई भी अगर आउटसाइड फोर्स उस पे अप्लाई नहीं हो तब तक वो उसी जगह पे ही रहता है, और अगर कोई अप्लाई हो तो वो मूव करता रहे। यहां से एक बात और सवाल पैदा होता है कि अगर सपोज करें मैंने कोई मूव कर दिया और ये दोनों एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शनल फोर्स को हटा दिया तो क्या घूम के बॉल आएगी? तो बिल्कुल आएगी, क्योंकि न्यूटन्स ने बिल्कुल सही प्रिडिक्ट किया था जो अभी वेरीफाइड लॉस है। सॉरी, अब आ गया न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। वो कहते हैं अगर कोई नेट फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई की जाए तो इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द बॉडी, ठीक है। अब वो मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फोर्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। ये अगर हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करें तो इसका मतलब ये होगा, वो कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो उसको हम आगे जाके और कंप्लीटली तौर पे बताते हैं कि हमारे पास अगर बाइसिकल है उसका मास है, अगर हम पुश करें उसको पैडल्स को तो वो फोर्स अप्लाई करेगी और वो मूव करेगी। अब यहां पर जो बात आती है कि अब इसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ये जो नीचे दो दिए हुए देखें आप कि अगर हम उसको फोर्स जोर से फोर्स लगाते हैं, हल्की फोर्स लगाते हैं तो वो कम जाता है, और ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं तो ज्यादा जाता है। तो इसका मतलब है फोर्स और मास, मास का जो है वो डायरेक्टली रिलेशन है। अब दूसरी डायग्राम में देखें जो यहां दिया हुआ है कि इसका मास हल्का है तो वो स्पीड से मूव कर रहा है, और दूसरी तरफ देखें, दूसरी तरफ आप देखें कि जब इसको फोर्स लगाई जा रही है तो ये इसका मास ज्यादा है तो ये जो है ये स्लो मूव कर रहा है। तो ये बात प्रूफ करती है कि एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसकी मैं एक और भी आपको एग्जांपल देता हूं डेरिवेशन के साथ। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, ए इज प्रोपोर्शनल टू ए एफ, और दूसरा आ गया एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो ये आ गया ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब वन अपॉन में जो चीज आएगा इसका मतलब है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ए इज प्रोपोर्शनल टू एफ ओवर एम। अब यहां पर एक और एग्जांपल देता हूं मैं, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास की। आपने देखा होगा हम अक्सर अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि बाइक, कार और ट्रक, बाइक का मास कम होता है तेज दौड़ता है, कार का मास थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ज्यादा हो जाता है तो वो स्लो मूव करती है, और ट्रक का मास बहुत ज्यादा होता है और वो स्लो स्लो मूव करती है। तो यूं देखा जाए तो इसका मतलब रहता है कि जैसे जैसे मास बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे जो है वो एक्सेलरेशन कम होता चला जाता है, और ये एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास हो गया। अब अगर इन दोनों को कंबाइन करें हम तो ये आ जाता है ए इज प्रोपोर्शनल टू एफ अपॉन एम। अब अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, आपको पता है कि इक्वल का साइन आ जाए तो इसका मतलब है के हर चीज का कोई ना कोई कांस्टेंट होता है। अगर के कांस्टेंट है और के वन के बराबर है तो हमारे पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, और अगर हम एम को क्रॉस मल्टीप्लाई ले जाए तो एफ इज इक्वल टू एम ए। ये सेकेंड डेरिवेशन जो है वो वेरीफाई हो गई, और सेकेंड लॉ भी अब हम आ जाते हैं मास और वेट की तरफ। मास क्या है? मास हम कहते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, ये कहलाता है हमारा मास। लेकिन फिर वेट क्या है?
वेट अगर उस मास को ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रही है और जमीन अपनी तरफ खींच रही है तो वो उसका वेट है। ये वजह है जिसकी वजह से मास को सिंपली हम एग्जांपल ऑफ मास एंड वेट क्या है आप ये देखें, ये स्प्रिंग है, ये जो आपके पास ये दिया हुआ है ये इसका मास है, लेकिन ये डाउनवर्ड जा रहा है क्योंकि जमीन उसको ग्रेविटी से अपनी तरफ खींच रही है। इसकी एग्जांपल्स आप यहां भी देख सकते हैं, ये जो है ये मास है, लेकिन चूंकि ये अगर ग्रेविटी के हिसाब से देखा जाए तो इसका वेट जाहिर करता है। इस अंकल को भी देखें आप, ये जो डाउनवर्ड जा रहे और ये उनकी जो ये है ये मास है, लेकिन वो जमीन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं इसलिए उनका ये वेट कहलाता है। अब हम आ जाते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। कहते हैं कि एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। अब सपोज के हम किसी बॉल को जोर से दीवार की तरफ फेंकें तो ये हमारा एक्शन है। दीवार का रिएक्शन क्या है कि वो पुल बैक करती है और हमारे पास दोबारा भेजती है। तो ये एक्शन और रिएक्शन के दरमियान जो है वो रिलेशन है कि दोनों तरफ सेम है, सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट है। अगर कोई चीज, अब यहां आप देखें, यहां पर मैं बता रहा हूं, यहां पर ये अप्लाई प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ये जितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड अप्लाई करके ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये एक्शन और रिएक्शन की एक और एग्जांपल है। ये एक्शन एंड रिएक्शन, ये देखें एक्शन और इसका रिएक्शन। तो हर चीज का एक्शन और रिएक्शन होता है। तो मैंने अपने स्टूडेंट्स में बैठ के ये बात मजाक से पूछी कि भाई सपोज करो हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। तो सपोज आपको गुस्सा आया, आप दोस्तों के दरमियान बैठे हैं और आपने रख के उनको चमाट लगा दी, तो ये तो उनका एक्शन हो गया, तो उनका रिएक्शन क्या होगा? तो कहते हैं सर अगर उन्होंने रख के दूसरी तरफ वो आपको लगा देगा। तो मैंने कहा ये उनका रिएक्शन होगा। मैंने कहा अच्छा, और अगर उसने नहीं लगाई तो? स्टूडेंट चुप हो गए और हंसने लगे। तो मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा भाई ये यहां पे अप्लाई नहीं होता, ये ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई होता है। अच्छा, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एग्जांपल हो गई। अब आ गया टेंशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ द स्ट्रिंग। आपको पता है सबसे पहले कि टेंशन किसे कहते हैं। अगर हम ये कहें कि कोई चीज डाउनवर्ड मूव कर रही है या पे नीचे की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब है कि वो उसका वेट है जो उसको नीचे की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं फैन है, फैन नीचे क्यों नहीं आता? उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि उसका वेट उसको डाउनवर्ड लेके जा रहा है और कुछ ऐसी चीज है जो उसको ऊपर की तरफ खींच रही है। जो ऊपर की तरफ खींच रही है वो ग्रेटर है, इसलिए वो नीचे नहीं आ रहा, जिसे हम कहते हैं टेंशन। टेंशन को नॉर्मली अगर हम देखें तो हम ये कहते हैं कि यार टेंशन जो है वो खिंचाव को कहते हैं। उन दोनों के दरमियान जो खिंचाव होता है, जो अपोज करता है एक दूसरे को, ये कहलाते हैं टेंशन। तो हम अब जो पढ़ने जा रहे हैं कि एक चीज पुल कर रही होगी और उसका मास होगा डाउनवर्ड, तो उसके अगेंस्ट टेंशन और एक्सेलरेशन और मास, इन तीन चीजों का आपस में क्या रिलेशन होगा उसको हमें देखना है इसमें, और हमें मालूम करना है और ड्राइव करना है एक्सेलरेशन और टेंशन को।